गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बात करेंगे प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की। प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को पढ़ने से पहले इनके वर्ड पर गौर करें या वर्ड का अर्थ समझें। तो यहाँ पर प्री मेच्योर का अर्थ है बिफोर 37, मीनिंग क्या है, बिफोर 37 वीक या ऑनसेट ऑफ लेबर। अब बात करें मेम्ब्रेन की, तो यहाँ पर मीनिंग है एमनियोटिक मेम्ब्रेन से। एमनियोटिक मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बेबी को, कब, इंट्रा यूटराइन लाइफ। अब ये प्रिवेंट भी करती है इन्फेक्शन से बेबी को। अब बात करें एमनियोटिक मेम्ब्रेन में क्या प्रजेंट होता है। एमनियोटिक मेम्ब्रेन में एमनियोटिक फ्लूइड प्रजेंट होता है जो एट 100 ml प्रजेंट होता है। ओके गाइस, अब देखते हैं कि प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन क्या होती है। प्री मेच्योर मतलब ऑनसेट ऑफ लेबर से पहले, बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर से पहले क्या हो जाए, मेम्ब्रेन, एमनियोटिक मेम्ब्रेन का रप्चर हो जाना, एमनियोटिक मेम्ब्रेन का रप्चर हो जाना बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर से पहले रप्चर का मेम्ब्रेन हो जाना, उसे प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर इमेज में दिखाया हुआ है कि ये येलोइश कलर है, उसे एमनियोटिक मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ये कलरलेस फ्लूइड होता है, इसलिए इसे सीन नहीं हो रहा, पर ये एमनियोटिक फ्लूइड है। इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो एमनियोटिक फ्लूइड है। ये आपको दिखाई दे रही है कॉर्ड, इसे बोलते हैं अम्ब्लाइकल कॉर्ड। ओके, अब देखते हैं डेफिनेशन। अब प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की डेफिनेशन देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए स्पॉन्टेनियसली, कब, बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर से पहले। यदि प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए स्पॉन्टेनियसली बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर से पहले, उसे प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ओके गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो यहाँ पर असेसमेंट एंड डायग्नोसिस की बात की जाए असेसमेंट एंड डायग्नोसिस की बात की जाए तो इस डायग्नोसिस करने के लिए अपन नाइट्रोजन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नाइट्रोजन टेस्ट में अपन सैंपल के रूप में वेजाइनल एंड सर्वाइकल सिक्रेशन यूज में लेते हैं। वेजाइनल एंड सर्वाइकल सिक्रेशन में येलो नाइट्रोजन स्टिक डिप करेंगे तो ये ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो जाए तो ये इंडिकेट करता है प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को। ओके गाइस, अब इसके लिए अपन अनदर टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं, उसे अपन बोलते हैं फेरन टेस्ट। ओके गाइस, इसे क्या बोलते हैं, फेरन टेस्ट में अपन सैंपल के रूप में वही सैंपल लेंगे, वेजाइनल एंड सर्वाइकल सिक्रेशन सैंपल में वही लेंगे। बट यहाँ पर एक डिफरेंस है, डिफरेंस ये है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर वेजाइनल और सर्वाइकल सिक्रेशन को अपन माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे। इसमें फेरन पैटर्न या स्केटन पैटर्न दिखाई देता है तो इंडिकेट करता है प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को। ओके गाइस, अब देखें तो इसमें अपन कितना अमाउंट लीकेज हुआ है। अब देखें कि
अब नेक्स्ट अपन देखें कि इसमें देखेंगे कि अमाउंट कितना अमाउंट लीकेज हुआ है, उसका कलर क्या है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, ओके। अब उसका ऑर्डर क्या है, उस फ्लूड की ये चार चीज़ें अपन नोट करेंगे। अब साथ साथ अपन मदर और बेबी के वाइटल साइन भी नोट करेंगे। यदि मदर का टेम्परेचर एलिवेटेड दिखाई दे रहा है तो इंडिकेट कर रहा है कि उसमें इन्फेक्शन हो चुका है या होने वाला है। अब फिटल मॉनिटर में यदि टेकिकार्डिया आ रहा है तो इंडिकेट करेगा कि वो इन्फेक्शन होने वाला है या हो चुका है। ओके गाइज, अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है कि इंटरवेंशन, इंटरवेंशन में अपन टेस्ट तो परफॉर्म कर ही रहे हैं, साथ साथ अब इसके साथ अपन क्या करेंगे कि वेजाइनल एग्जामिनेशन को अवॉइड करेंगे, क्योंकि चांसेस होते हैं मदर या बेबी को इन्फेक्शन होने की। इसे प्रिवेंट करने के लिए अपन वेजाइनल एग्जामिनेशन परफॉर्म नहीं करेंगे या अवॉइड करेंगे। साथ साथ मॉनिटर करेंगे बेबी के और मदर के वाइटल साइन, क्योंकि मदर में यदि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो चांसेस हैं इन्फेक्शन हो जाए। यदि बेबी में टेकिकार्डिया हो रहा है तो चांसेस हैं इन्फेक्शन होने के। इसलिए इसको डिनोट करने के लिए अपन असेस करेंगे कि वाइटल साइन कि उसमें इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है मदर एंड बेबी में, ओके। साथ साथ प्रिस्क्राइब करेंगे एंटीबायोटिक्स, क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यदि एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो चांसेस बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन होने के। इससे पहले अपन स्टार्ट कर देते हैं एंटीबायोटिक, ओके, प्रिवेंट करने के लिए, इसको इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। यह आज का अपन का टॉपिक था। थैंक्स गाइज।